अरे यार श्रीमान जी निकल रहे हैं हम लोग, श्रीमान स्वयं ऊंची जाति के हिंदू होने के नाते कई प्रशासकीय अधिकारियों की विश्व हिंदू परिषद के प्रति हमदर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एससी दीक्षित, जो पहले पुलिस में आईजी थे, अब पुलिस द्वारा दिए गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। भाषण खत्म होते ही अचानक पुलिस पीछे हट जाती है। कुछ ही क्षणों में कार सेवक एक बस हथिया कर घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं। मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया, तो तोड़ करके ही हमने चाहा जो कुछ हो जाए, लाठियां सहते भी रहे और हम तोड़ते भी हमारे पुलिस ने ऊपर चोरी कर ऊपर मस्जिद पर थे हम तो नीचे से गोली मारी पुलिस वालों। आपकी जानकारी में कितने लोग गोली में मरे? करीब 4 लोग मरे हैं। ज्यादा मरे होंगे ऐसे दोनों साइड से लोग घायल हुए भले चोट और लोग मरे भी हैं, तो आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपने जो कार्रवाई की है उससे लोगों की जाने गई? अगर आप ये नहीं करते तो वो जिंदा रहते हैं ना जी, तो इसके बारे में बुरा नहीं लगता? नहीं बुरा तो लगता है सर, लेकिन हमारे भाई है, हमारे भाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, सीआरपी वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के, कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाज़त दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। लोगों की जाने की उसके बारे में क्या? अब उसके जरिए हमको जो है बहुत दुख है, उसके लिए हमें दुख है कि जिनके जाने गई हैं ये घायल व्यक्ति हैं और जो घायल है हुए हैं उनके लिए भी हमको बड़ा दुख है।
अयोध्या ही नहीं पर कि पूरे भारत की जनमानस को इसका विरोध करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम किसी के दिल को तोड़े नहीं, हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है, इस चीज़ को कभी अनुमति नहीं देता है। राम का हमारा ये जो आदर्श है राजनीति का, वो यही है कि जनता सुखी रहे, और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारी जनता हमारी है, कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन उन आदर्शों की सीधी हत्या की गई। मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में, इस लहर में जो लोग घृणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे ज़्यादा लोग चलते हैं, और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं उनके पीछे कम लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये तो जैसे बाढ़ आती है भाटे की तरह से, जो तूफान आता है तो उसमें तमाम पेड़ गिर जाते हैं, तमाम मकान ढह जाते हैं, सड़क नष्ट हो जाते हैं, तमाम परिवहन सेवाएँ ठप हो जाती हैं। एक दोहा लिखा है आरण्यकांड में कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते लुप्त भये सदग्रंथ। जब घोर बरसात होती है तो इतनी घास उग जाती है जो सही रास्ते वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों की बात से सही बात जो है छिप जाती है, जैसे कोई आदमी खा लिया कोई नशा, नशा जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक कोई भी क्रिया कर सकता है, पागल भी हो सकता है, अटैक भी कर सकता है, स्वयं की आत्महत्या कर सकता है, ये सब उन्माद होते हैं, विचार चिंतन ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बरसात ऋतु थोड़ी ही देर तक होती है, बाद में लोगों की समझने की सोचने की ये क्षमता होती है। तो आज जो कुछ लोगों में इस तरह की बातें हैं ये एक उन्माद है, और जब लोगों को असलियत सामने आ जाएगी, जब लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बात गलत कही गई, हम लोगों को गुमराह किया गया, तो अपने ही लोग उसका बहिष्कार कर देंगे। मैं बहुत दुख महसूस करता हूँ, तब भी मैं अपने को उतना ही संयम उतना ही धैर्य में अपना बना रखा हूँ। तूफान है लेकिन उस तूफान से हम उसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये भाटे की तरह से आया और गया। मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो मंदिर से हमें क्या लाभ है? मंदिर की मूर्ति अगर पीस दी जाए तो वो तो दोबारा हम कई प्रकार के मसाले से बना सकते हैं, लेकिन हमारी अगर जनता कट जाए तो हम किसी प्रकार का मसाला उसमें नहीं लग सकता। और अगर देखिए हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जन्मभूमि हुई है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी यही गांव से करीब करीब 150 बस्ती है, उनको निकाला जा रहा है, और ये कहीं केवल राम है, उनकी भूमि के लिए लोग कितना परेशान है, और संख्या भी उसके पीछे दौड़ रही। देखिए मैं क्यों दौड़ू? साधु देखो जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना साधु ते